मोदी सरकार की नोटबंदी को बुधवार को एक साल हो गया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा, नोटबंदी एक ट्रेजेडी है। प्रधानमंत्री के बिना सोचे समझे लिए फैसले से लाखों ईमानदार लोगों के जीवन जीने का तरीका तबाह हो गया। मोदी सरकार के इस बदलाव से देश की इकोनॉमी की ताकत खत्म हो गई। 4 महीने में 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए। नोटबंदी के एक साल पूरा होने पर कांग्रेस देश भर में ब्लैक डे मना रही है, तो बीजेपी ने इसे एंटी ब्लैक मनी डे के रूप में मनाने का ऐलान किया है। बता दें कि पिछले साल 8 नवंबर को मोदी सरकार ने 500/1000 के नोटों के चलन से बाहर करने का ऐलान किया था। नोटबंदी की सालगिरह पर किसने क्या कहा? नरेंद्र मोदी। मोदी ने ट्वीट किया, 125 करोड़ भारतीयों ने निर्णायक जंग लड़ी और जीती। मैं भारत के लोगों का सम्मान करता हूं जिन्होंने देश में से करप्शन और ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए उठाए गए सरकार के फैसलों का साथ दिया। राहुल गांधी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट ने एक आर्टिकल में लिखा, नोटबंदी एक ट्रेजेडी है। प्रधानमंत्री के एक बिना सोचे समझे उठाए कदम ने लाखों ईमानदार लोगों के जीवन जीने का तरीका तबाह कर दिया। मोदी सरकार के इस बदलाव से देश की इकोनॉमी की ताकत खत्म हो गई। नोटबंदी से जीडीपी में 2% की गिरावट आई और लाखों वर्कर्स पर इसका असर पड़ा। ये एक बड़ा घोटाला है और मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है। लोग बेरोजगार हुए, उनके अंदर गुस्सा है। पहले 4 महीने में ही 15 लाख लोगों की नौकरी चली गई। मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी से करप्शन खत्म होगा, लेकिन पिछले 12 महीने में एक ही बात सामने आई, वो है ग्रोथ कर रही इकोनॉमी में गिरावट। जीएसटी लागू करना इकोनॉमी के लिए एक और झटका साबित हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन का दबदबा बढ़ा है। 1990 के दशक में उसकी हिस्सेदारी 3% थी, जो अब 25% हो गई है। चीन जहां एक दिन में 50,000 लोगों को नौकरी देता है, मोदी जी सिर्फ 500 लोगों को नौकरी दे पा रहे हैं। नोटबंदी के वक्त बैंकों की लाइन में लगे लोगों की फोटो ट्वीट करते हुए राहुल ने लिखा, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना।